रामदेव ने कह दिया कि महिलाओं नग्न में अच्छी लगती है, ऐसे लोगों को क्या जिंदा रहने का राइट है। जीएसटी की सबसे ज्यादा चोरी रामदेव बाबा कर रहे हैं। राम रहीम टाइप के लोगों को तो पानी में फेंक देना, डुबा देना, इन लोगों को जीने का कोई राइट ही नहीं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ निशा। योग गुरु बाबा रामदेव के द्वारा महिलाओं पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारे में भी चर्चा तेज हो गई है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए कि रामदेव बाबा ने महिलाओं को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर क्या कुछ बयान दिया है। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छा। तो देखा आपने किस तरह से रामदेव बाबा ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की, इसको लेकर अब राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा तेज हो गई है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने इन सभी बाबाओं को ढोंगी बताते हुए इन्हें बैन करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम रहीम बाबा, आसाराम, इन जैसे बाबाओं को भारत में बैन कर देना चाहिए। इसके साथ इन्होंने कहा है कि इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। पप्पू यादव ने कहा है कि जो हमारी बहन और बेटियों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए क्या कुछ कहा है जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने। देखिए, मैं पहले से ही बाबा नागा, इनको कंप्लीट बैन करने का मांग करता रहा। इस कंट्री में जितने ये बाबा हैं, नकली बाबा, ढोंगी, ये सब राम रहीम, आसाराम, ये सब को तो पानी में, राम रहीम टाइप के लोगों को तो पानी में फेंक देना, डुबा देना, इन लोगों को जीने का कोई राइट ही नहीं। और आज रामदेव ने कह दिया कि महिलाओं नग्न में अच्छी लगती है, महिलाएं जितनी नंगी रहेंगी उतनी अच्छी लगती हैं। अब आप रामदेव जैसे लोगों के बारे में क्या उपाय है, आप हमको जरा ये बताइए। ऐसे लोगों को क्या जिंदा रहने का राइट है, जो मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरी बहन के बारे में जो शब्द इन बाबाओं के होते हैं। रामदेव जैसे लोग जिन्होंने टैक्सेस की चोरी की, जिन्होंने फरेब किया, झूठ बोला, जो बीजेपी जैसी पार्टी के साथ बहरूपिया की तरह रामदेव का लोकपाल, रामदेव का भ्रष्टाचार, रामदेव का 10,000 से 30,000 करोड़ से ज्यादा की पूरी कंपनी, रामदेव की पूरी कंपनी फर्जी, रामदेव की पूरी कंपनी की फर्जी जांच में चाहते पूरा। उसके जो ये उजला कपड़ा वाले हैं, एक बार रुपया, जो जेल भी जा चुके हैं, ये सबके नाम पर जीएसटी की सबसे ज्यादा चोरी रामदेव बाबा कर रहे हैं। काला धन की सब नोटबंदी में सबसे ज्यादा बेनिफिट बाबाओं को, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो बाबा लोग हैं, बड़े बड़े संत लोग, उनके द्वारा, सिर्फ बैंक नेता नहीं, सबसे ज्यादा नोटबंदी में किसी की मौत हुई तो वह है महिलाएं, फर्स्ट घरेलू, दूसरी है मिडिल क्लास के व्यापारी, छोटे मंझले व्यापारी, मध्यमर्गीय व्यापारी, तीसरा है किसान। इस तीन आदमी की जिंदगी ही समाप्त नोटबंदी में हो गई। सबसे ज्यादा मुनाफा में और नोटबंदी और जीएसटी से किसी को है तो वह है टाटा बिरला। तो देखा आपने किस तरह से पप्पू यादव रामदेव बाबा पर हमलावर थे और उन्होंने उनकी कड़ी निंदा करते हुए महिलाओं पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर सवाल खड़ा किया। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।